इस वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार हम क्लास नोटबुक को सेटअप कर सकते हैं। क्लास नोटबुक सेटअप करने के लिए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगी जिसमें लिखा होगा सेटअप वन नोट क्लास नोटबुक। ये वन टाइम प्रोसेस है और क्लास टीचर सिर्फ एक बार ही इसको करेगा, या फिर उस टीम का जो ऑनर है वो एक बार ही करेगा और सभी बच्चों की क्लास की नोटबुक प्रिपेयर हो जाएगी। इससे हम इसको एक बार सेटअप करने स्टार्ट करते हैं। सेटअप करने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस पूछे जाएंगे, ब्लैंक नोटबुक फ्रॉम एग्जिस्टिंग नोटबुक कंटेंट। हम इसमें यहाँ पे ब्लैंक नोटबुक को चूज करेंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जब भी हम क्लास नोटबुक को सेटअप करेंगे इसके अंदर चार सेक्शंस होंगे। एक को कहा जाएगा कोलेब्रेशन स्पेस। कोलेब्रेशन स्पेस में टीचर भी उसमें लिख सकता है और स्टूडेंट भी उसमें लिख सकता है। एक होता है कंटेंट लाइब्रेरी, इसमें टीचर उसमें एडिट कर सकता है, स्टूडेंट सिर्फ उसको व्यू कर सकता है। एक होगा टीचर ओनली सेक्शन, जिसके अंदर टीचर उसमें कोई भी काम करेगा लेकिन बच्चे उसको देख नहीं पाएंगे, स्टूडेंट कैन नॉट व्यू द कंटेंट। फिर उसके बाद एक होगी स्टूडेंट नोटबुक। स्टूडेंट नोटबुक क्या होगा कि हर एक बच्चे के मोबाइल में या जो भी डिवाइस वो यूज़ कर रहा है उसमें एक नोटबुक बन जाएगी और टीचर उसको एडिट कर पाएगा। स्टूडेंट जो है वो उसको राइट कर सकता है उसके अंदर कंटेंट्स, टीचर को अपने डिवाइस पे, अपने मोबाइल में या फिर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे वो कंटेंट्स नज़र आ जाएंगे। इसके बाद ये मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट का बटन हम चूज़ करेंगे। ये हमें बताएगा कि क्लास नोटबुक के कौन कौन से सेक्शंस बनने वाले हैं। हम इसमें से ये जो हमें नहीं चाहिए वो हम सेक्शंस इसमें से इरेज कर देंगे, और अगर हम कोई नए सेक्शंस बनाना चाहते हैं तो हम ऐड सेक्शन करके सेक्शन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। ये हर एक बच्चे की नोटबुक बन जाएगी और उसमें दो सेक्शन होंगे, क्लास नोटबुक और होमवर्क नोटबुक। ये प्रिपरेशन चल रही है अभी। ये हर एक बच्चे की जितने भी उस टीम में स्टूडेंट्स होंगे उन सब की नोटबुक प्रिपेयर कर रहा है। ये वन टाइम प्रोसेस है, ये हर बार आपको नहीं करना है। हर बार तो सिर्फ इतना होगा कि हम बच्चे की नोटबुक को देखेंगे और उसको चेक कर पाएंगे। कोलेब्रेशन स्पेस में हम काम कम करेंगे, हम टीचर ओनली सेक्शन का यूज करेंगे टीचर के नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, और बाद में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बच्चों को सेंड कर देंगे। वो एज ए पेज बच्चों की नोटबुक में ऐड हो जाएगा। ये जब हमारी नोटबुक प्रिपेयर हो जाएगी, क्लास नोटबुक, तो उसके बाद ये स्क्रीन हमारी ओपन होगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि वन टाइम प्रोसेस है, हर बार जब भी आप ओपन करेंगे तो यही चीज़ ओपन होने वाली है आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे ये एक नेविगेशन पैनल है, इसको जो अगर हम ओपन करके देखेंगे तो ये हमारे स्पेसेस दिखाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे सेक्शंस आ रहे हैं, कोलेब्रेशन स्पेस, कंटेंट लाइब्रेरी, टीचर ओनली। टीचर ओनली वो सेक्शन था मैंने आपको बताया था, टीचर इसमें अपना कंटेंट प्रिपेयर कर सकता है, और नीचे जो है वो सभी स्टूडेंट्स जो भी उस क्लास के मेम्बर्स थे उन सबकी नोटबुक्स यहाँ पे अटैच हो चुकी है। बच्चा अपने घर पे जो भी काम करेगा, होमवर्क करेगा, हम उसका काम यहाँ पे क्लिक करके देख पाएंगे। बच्चे को क्या करना है, बच्चा अपने घर पे काम करे, नोटबुक प्रिपेयर करे, और नोटबुक प्रिपेयर करने के बाद वो वहाँ पे उसकी फोटोग्राफ्स खींच के यहाँ पे ऐड कर दे। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे नोटबुक में तो उसकी जो नोटबुक है वो हमें नज़र आएगी और हम उसको चेक कर पाएंगे। तो ये इसमें प्रोसेस रहने वाला है। टीचर ओनली सेक्शन में टीचर अपने कंटेंट्स प्रिपेयर कर पाएगा और वो सारे के सारे इस सेक्शन में हमारे पास रहेंगे। नीचे हमारे पास सेक्शन भी हम ऐड कर सकते हैं और इसमें हम पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।